बड़ा बयान, जातीय जनगणना को लेकर अभय चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कराएंगे जातीय जनगणना, हर वर्ग को जाति के हिसाब से हक मिलना चाहिए। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट भी किया है। आपको बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने ट्वीट में भी साफ तौर पर यह लिखा कि सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना कराएंगे और हर वर्ग को जाति के हिसाब से हक देने की बात भी उन्होंने कही। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान। तो आपको बता दें कि 2024 चुनाव में इनेलो की सरकार आने पर उन्होंने जातीय जनगणना कराने का दावा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना कराएंगे। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, देखिए जिस तरीके से अब इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान सामने आया है, इससे पहले अन्य राज्यों में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया, लेकिन अब उन्होंने हरियाणा में इनेलो की सरकार आने पर जातीय जनगणना का दावा किया है। जी बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने एक सोशल मीडिया पर अपना जो ट्वीट किया है और उसके जरिए ये कहा है कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना जो है वो करवाई जाएगी। अभय चौटाला ने कहा है कि जिस प्रदेश में जो जाति समाज या तबका है उनका जितना आबादी है उसके आधार पे उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए जातिगत जनगणना जो है वो जरूरी है और इनेलो की सरकार बनने पर जो है वो ये फैसला किया जाएगा, ये जो जनगणना है वो करवाई जाएगी। जी बिल्कुल पवन, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरीके से वो ये दावा करते आए जातीय जनगणना का, क्या इससे प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ सकता है, और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई हो? देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो एक बड़ा मुद्दा राष्ट्र स्तर पर बनी है। जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने जिस तरीके से इस जातिगत जनगणना का जो बयान दिया था उसके बाद जो बहस देश भर में शुरू हुई थी उसके ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया तमाम राजनीतिक दलों की देखने को मिली थी। और अब हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में जो विपक्षी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उनके नेता जब ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और जातिगत आधार पर जो समाज या तबका है उनको उनका अधिकार मिले, इसके लिए ये जरूरी है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हरियाणा में इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में जो राजनीति है वो देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जब राहुल गांधी का ये बयान आया था कांग्रेस के नेताओं की इस पर जब प्रतिक्रिया आई थी तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके ऊपर बयान दिया था, लेकिन अभी अभय चौटाला का जो ये बयान है या अभय चौटाला ने अपनी पार्टी का जो स्टैंड स्पष्ट किया है उसके ऊपर आने वाले दिनों में हरियाणा में किस तरीके से क्या प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की रहती है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहाँ इनेलो ने जातिगत जनगणना का दावा किया है, सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना की बात अभय चौटाला ने कही।